हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेटिस्ट, डी एडिक्शन एंड साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूं और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। तो दोस्तों, मेरे पास काफ़ी ऐसे मरीज आते हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन है और वो डिप्रेशन का इलाज नहीं ले रहे होते और वो काफ़ी समय तक उसका इलाज टाल देते हैं, जिससे एक छोटी बीमारी एक बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है और जिसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी बार करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए आज हम यही डिस्कस करेंगे कि लोग ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेते टाइम से और इलाज को टाल देते हैं। तो दोस्तों, इलाज नहीं लेने के जो फैक्टर्स हैं उनको चार फैक्टर्स में मैं डिस्कस करूंगा। पहला है, पर्सनल लेवल पे कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले, पेशेंट को पता ही नहीं होता कि मुझे डिप्रेशन है। लोगों को जो रूटीन लाइफ है उसमें नहीं पता कि डिप्रेशन में क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम हैं कि उदास रहना, और ये उदासी अधिकतम समय रहती है और ज़्यादातर दिनों पेशेंट उदास रहता है। कोई कोई पेशेंट इतनी उदासी होती है उसको कि वो रोने भी लग जाता है। लोगों को एनहेडोनिया होता है। एनहेडोनिया का मतलब है कि जो चीज़ें उनको पहले इंटरेस्ट में लगती थी, अब उनको उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे पहले किसी को अखबार पढ़ना या ड्राइव करना अच्छा लगता था तो वो लोग ये एक्टिविटी बंद कर देते हैं। कोई फीमेल है, उसको कुकिंग अच्छी लगती थी तो वो कुकिंग बंद कर देती है। लोगों को काफ़ी वीकनेस फील होती है। लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। लोगों को अपने पास्ट के लिए, करंट के लिए और फ्यूचर के लिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, नींद अफेक्ट हो जाती है, भूख अफेक्ट हो जाती है। काफ़ी लोगों की नींद और भूख दोनों ही कम हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। इसके साथ ही दोस्तों, जिन लोगों को लो लेवल का डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है, जिसको कि हम डिस्थाइमिया भी बोलते हैं, वो लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या चीज़ डिप्रेशन है। उनको लगता है कि ये जो डिप्रेशन उनको चल रहा है यही नॉर्मल इमोशन है, तो जिसको कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसी में पर्सनल फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग क्या है, उनको लगता है कि क्या मैं इतना वीक हूँ कि मुझे डिप्रेशन हो गया, तो वो डिप्रेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मुझे डिप्रेशन है, और वो सोचते हैं कि ये एक वीकनेस है। तो दोस्तों, ये समझना है कि डिप्रेशन एक वीकनेस नहीं है, ये एक बीमारी है। काफ़ी लोग स्टिग्मा की वजह से डिप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर ट्रीटमेंट कहाँ से लेंगे। तो ये पर्सनल लेवल पे फैक्टर थे जिससे कि लोग डिप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते, और जिससे कि इलाज वो नहीं ले पाते या डिले कर देते हैं। दूसरे फैक्टर्स हैं फैमिली लेवल पे। तो फैमिली लेवल पे क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे कि लोग इलाज नहीं लेते। तो जैसे जब कोई डिप्रेशन का मरीज होता है फैमिली में और वो फैमिली मेंबर्स को बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे परेशानी है, तो एक तो फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता होता कि डिप्रेशन क्या होता है, दूसरा वो भी पेशेंट को बोलते हैं कि आप पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, ये सब मन का वहम है, इसको निकालो और एक्सरसाइज करो और आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की एडवाइस वो पेशेंट को देते हैं, जिससे कि पेशेंट भी कंफ्यूज हो जाता है। वो इन चीज़ों को फॉलो करता है, सोचता है कि भाई इससे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरा, फैमिली मेम्बर थोड़ा डॉक्टर के पास भी पेशेंट को ले जाने में कतराते हैं स्टिग्मा की वजह से। अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, तो फौरन फैमिली मेम्बर अपने घर के मरीज को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन जब साइकेट्रिक इलनेस होती है, जैसे सिंपल डिप्रेशन भी किसी को होता है, तो फैमिली मेंबर डॉक्टर के पास जल्दी से नहीं ले जाते, क्योंकि उनको स्टिग्मा का डर रहता है और दूसरा उनको लैक ऑफ नॉलेज भी होता है कि डिप्रेशन का इलाज कहाँ और कैसे लेना चाहिए। थर्ड लेवल पे फैक्टर हैं जो हैं डॉक्टर रिलेटेड फैक्टर। तो देखिए, जो डिप्रेशन का इलाज मेनली साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन पेशेंट पहले साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आता। पहले वो कहाँ जाता है, वो जनरल फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन के पास जाता है। तो जब पेशेंट उनके पास जाता है तो उन लोगों को भी काफ़ी बार नहीं पता होता कि डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट के अलावा जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं उनकी साइकेट्री में पोस्टिंग काफ़ी छोटे समय के लिए होती है, कुछ वीक्स के लिए होती है। तो उन लोगों का ओरिएंटेशन साइकेटिक इलनेस के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता। उनको नहीं पता होता कि डायग्नोसिस कैसे करना है और इलाज कैसे करना है। तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर के साथ ये प्रॉब्लम आती है। और काफ़ी लोगों को पता भी होता है डॉक्टर्स को कि इनको डिप्रेशन है और वो पेशेंट को रेफ़र भी करते हैं, लेकिन जब पेशेंट को वो रेफ़र करते हैं तो पेशेंट भी एक्सेप्ट नहीं करता, फैमिली मेम्बर भी एक्सेप्ट नहीं करती, अरे आप क्या हमको पागल समझते हैं। तो जब ऐसा एटीट्यूड डॉक्टर्स देखते हैं पेशेंटों का साइकेटिक इलनेस के लिए, तो जो डॉक्टर पहले पेशेंट रेफ़र भी कर रहे थे डिप्रेशन के,
वो रेफर करना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि ये एक स्टिग्मा है और हम रेफर करेंगे तो पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स अच्छा नहीं समझेंगे। काफ़ी डॉक्टर्स जो मैंने देखा है वो जो डिप्रेशन के मरीज आते हैं उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, और वो जनरल काउंसलिंग ही करते हैं जैसे फैमिली मेम्बर्स करते हैं। तो वो पेशेंटों को समझाते हैं कि आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, ये सब मन का वहम है, आप पॉजिटिव सोचोगे तो ये चला जाएगा, आप एक्सरसाइज करो, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करो, और इसके साथ साथ वो काफ़ी कुछ अच्छी एडवाइस भी देते हैं जैसे कि ड्रग एडिक्शन अपना बंद करिए, क्योंकि जिन लोगों को ड्रग एडिक्शन की वजह से डिप्रेशन हो रहा है अगर वो ड्रग एडिक्शन छोड़ देंगे तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी की जनरल एडवाइस से डिप्रेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे हम किसी डायबिटीज़ के या हाइपरटेंशन के मरीज को बोल रहे हैं कि आप सोचो कि आपका ब्लड शुगर कम हो रहा है, आप सोचो कि आपका बीपी कम हो रहा है और वो ठीक हो जाएगा। वो ऐसे ठीक नहीं होगा, उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिएगा जब भी आपका डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ठीक होगा। सेम डिप्रेशन के साथ है, अगर आपको डिप्रेशन है तो उसके लिए प्रॉपर थेरेपी या ट्रीटमेंट चाहिए, और ये ट्रीटमेंट के लिए आप नियर बाई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, जिससे कि गोल डायरेक्टेड और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपको आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से मिल सके और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। चौथा होता है ट्रीटमेंट रिलेटेड फियर। लोगों के मन में साइकेट्रिक ट्रीटमेंट को लेके अलग अलग फियर होते हैं, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि ये जो साइकेट्री की मेडिसिन होती हैं ये एडिक्टिव होती हैं, अगर मैं ट्रीटमेंट लूँगा तो मैं इन दवा का एडिक्ट हो जाऊँगा। तो दोस्तों ये समझना है कि जो डिप्रेशन में जो दवाई दी जाती है वो एडिक्टिव नहीं होती, वो आप डॉक्टर की सलाह से ले रहे हो और वो काफ़ी लंबे समय तक भी ली जा सकती हैं डॉक्टर की सलाह से। दूसरा फियर होता है लोगों के मन में कि ये इलाज बहुत लंबे समय तक चलता है, एक बार दवा चालू हो गई तो बंद ही नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें ये समझना है कि जिनका डिप्रेशन शॉर्ट ड्यूरेशन का है, उनको एक ही एपिसोड आया है, उन लोगों का इलाज लंबा नहीं चलता। लंबा इलाज केवल क्रोनिक डिप्रेशन में, या जिन लोगों का डिप्रेशन बहुत लंबे समय से चल रहा है, जिन लोगों के एपिसोड मल्टीपल एपिसोड हैं और सीवियर एपिसोड आ रहे हैं जिनका डिप्रेशन के, उन्हीं लोगों का लंबा इलाज चलता है। तीसरा जो लोगों के मन में फियर होता है, उनको लगता है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं स्लीपिंग पिल देते हैं, सुलाने वाली दवाइयाँ, और मरीज बस सोता रहता है। तो दोस्तों ये समझना है डिप्रेशन में जो इलाज चलता है वो स्लीपिंग पिल से नहीं होता, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन से चलता है। हाँ, इनिशियल डेज में डॉक्टर कुछ मरीज को आराम देने के लिए, उसकी एंजाइटी कम करने के लिए एक दो स्लीपिंग पिल ट्रीटमेंट में ऐड कर देते हैं, जिससे इनिशियल डेज में लोगों को हल्की फुल्की स्लीपीनेस फील हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट स्लीपीनेस नहीं करता और पेशेंट आराम से अपना रूटीन कर सकते हैं दवाओं के साथ भी। तो दोस्तों आप डिप्रेशन का इलाज टालो नहीं, उसको ले लो। आप डिप्रेशन के इलाज को अवॉइड मत करिए, क्योंकि काफ़ी केसेस जो इस इनिशियल डेज में माइल्ड होते हैं वो आगे जाके बढ़ जाते हैं, और एक बार डिप्रेशन क्रोनिक हो जाए तो इलाज में भी डिफ़िकल्टी आ जाती है और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश है कि मैं अपने वीडियोस के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साइकेट्रिक इलनेस के बारे में लोगों तक पहुँचाऊँ, और वो सिंपल अंडरस्टैंडेबल हो, जिससे कि लोग उससे इन्फॉर्मेशन ले सकें और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें अपनी प्रॉब्लम के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको मिलेगा। और जो भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं प्रायोरिटी उन लोगों को दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।